विक्रम यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए लॉ में एडमिशन कैसे लेना है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी में BA LLB होता है जिसमें आप जो है 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है LLM। LLM वो होता है जब आपने LLB या BA LLB कंप्लीट कर ली, तो ये एक PG कोर्स है। तो अगर आप LLM साइबर लॉ में करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हैं, या सिर्फ LLM करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है, फैकल्टी आपको हमेशा सपोर्ट करती है और गाइडेंस देती है। तो आज आपको हम बताएंगे कि भैया लॉ में कैसे एडमिशन लें, इसकी फीस कितनी होती है, और इसके अलावा और भी अन्य जानकारी आज हम आपको दिखाएंगे। और हम विक्रम यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हुए हैं और हमारे साथ हैं एडवोकेट हनुमंत लोधी, जो इस यूनिवर्सिटी से LLM कर रहे हैं। हनुमंत जी, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच सर। इसके पहले हमने एक और आपके साथ वीडियो बनाया था और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली 2024 में एडमिशन जो है स्टार्ट होंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कौन सी यूनिवर्सिटी चुने। करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है आज देश में। आज बच्चों को पता नहीं है कि उनको क्या करना है, अगर करना है तो किस कॉलेज से करना है। तो ऐसी गाइडेंस आपकी ये जो पहल बहुत अच्छी है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ से पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है। क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट जैसे ही 12th पास आउट होते हैं उनको नहीं पता, तो वो यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सर्च करते हैं कि मुझे कौन सी बेस्ट कॉलेज हो सकती है या अन्य कोई भी कोर्स करना है। तो आज जो आपने बताया कि विक्रम यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए लॉ में एडमिशन कैसे लेना है, तो अगर आपको विक्रम यूनिवर्सिटी से LLB कर, यहाँ पे तीन कोर्स होते हैं बेसिकली। एक तो होता है BA LLB जो कि 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। दूसरा है LLM जो कि 2 ईयर्स कोर्स है। यहाँ पे LLM 2 या 3 स्ट्रीम में होता है। पहला होता है क्रिमिनल लॉ में, एक LLM प्लान होता है, और तीसरा होता है LLM इन साइबर लॉ। तो ये तीन कोर्स हैं अगर आपको विक्रम यूनिवर्सिटी से लॉ करना है तो। देखा जाए तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या है यहाँ पे, जैसे LLB की या LLM की, तो प्रक्रिया एडमिशन की प्रक्रिया बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो 12th पास करके आते हैं तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कॉलेज का, उनको विस्तार से मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से बताइए कैसे मतलब एडमिशन लिया जाए। सबसे पहले अगर जैसे आपने 12th कर ली, तो 12th के बाद जो है आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। BA LLB या BBA LLB भी कई कॉलेजों में होता है। अगर आप हम स्पेसिफिकली विक्रम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो विक्रम यूनिवर्सिटी में BA LLB होता है जिसमें आप जो है 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली विक्रम यूनिवर्सिटी में आप अप्रैल और मई में विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और कब से कब फॉर्म फिलअप हो रहा है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, कई कोर्सों में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, तो आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं आपको सारी जानकारी जो है वेबसाइट में मिल जाएगी। दूसरा सोर्स ये है कि आप अगर आप विक्रम यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं और अगर आप आसपास के हैं तो आप क्या करें, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है, फैकल्टी आपको हमेशा सपोर्ट करती है और गाइडेंस देती है कि एडमिशन कैसे होता है, फीस क्या है, सारी चीज़ें। दूसरा कोर्स है LLM। LLM वो होता है जब आपने LLB या BA LLB कंप्लीट कर ली, तो ये एक PG कोर्स है। अगर आपका एंट्रेंस है आगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि साइबर लॉ का जो है क्रेज बहुत होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर जो मैं देख पा रहा हूँ कि चोरियाँ अब घर से नहीं होंगी, अब चोरियाँ आपके बैंक अकाउंट से होंगी, आपके साथ हैकिंग होगी, आपके साथ फ्रॉड होगा इस प्रकार की, तो आने वाले टाइम पे हमें साइबर लॉयर चाहिए। ऐसे लॉयर जो कि साइबर लॉ में एक्सपर्ट है, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जज को जब आप बेंच के सामने बोलेंगे तो उनको कैसे बताएंगे कोई भी, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो कोर्स यहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी में साइबर लॉ में चलाया जा रहा है। तो अगर आप LLM साइबर लॉ में करना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉ में करना चाहते हैं, या सिर्फ LLM करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा देखा जाए कुछ LLB कर चुके और LLM वो विक्रम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो ऐसा इस यूनिवर्सिटी में क्या है जो बाकी अन्य यूनिवर्सिटी से इसमें अलग है, कुछ ऐसी खासियत हो? विक्रम यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मेरा है कि यहाँ पे आप अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो परसेंटेज बेस पे सबसे पहले तो आपका एडमिशन हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन इनके हर साल जो है रूल्स चेंज होते रहते हैं, एंट्रेंस भी होते हैं कई कोर्स में, तो आप जो है यहाँ पे विजिट रेगुलर आपको करना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट पर रेगुलर देखता रहना पड़ेगा, इनके एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं,
तो कि आपके परसेंटेज बेस पे ले रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन ऐसा है कि कई कोर्स जो है परसेंटेज बेस पे होते हैं और कुछ होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एडमिशन हुआ था वो परसेंटेज बेस मतलब मेरिट के आधार पे हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो LLM की फीस कितनी है? LLM की फीस यहाँ की जो है लगभग अलग अलग है, जैसे LLM आप करते हैं तो उसकी 25,000 और LLM इन साइबर लॉ में करते हैं तो 30,000 और अधिकतम फीस जो है वो 35,000 तक। LLB की कितनी होगी पर सेमेस्टर? LLB की भी यहाँ पे 25,000 15,000 ऐसी जो है फीस का रेशियो है। अभी और आपने बताया कि इसमें एडमिशन के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे हैं कि भाई रोज विजिट तो नहीं कर सकते वेबसाइट पर, कुछ ऐसा महीना होता होगा भाई इस महीने के अंदर ओपन होते हैं एडमिशन, तो कुछ ऐसा दर्शकों को बताना चाहेंगे भाई किस महीने में, मतलब फिक्स रहता है कि इन दो महीने के अंदर? हाँ, अधिकतम जो एडमिशन जो होते हैं आप अप्रैल और मई के बीच जो है देखें, अप्रैल और मई में अधिकतम कॉलेजेस और उच्च शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन भी आता है, बाकायदा पेपर में आता है, सभी पेपरों में छपता है कि एडमिशन जो है इस सेशन के स्टार्ट हो गए। तो अब जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 2024 और 25 का जो नया सेशन होगा वो अप्रैल में, अप्रैल और मई से स्टार्ट हो जाता है। लगभग LLB के लिए कितने परसेंट चाहिए पड़ेंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली? अगर LLB तो यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है BLLB, तो हाँ तो BLLB में अगर आपको चाहिए तो मुझे जहाँ तक लग रहा 70% 75% वो कैटेगरी वाइज रहता है सर। तो आप मान लीजिए कि आपकी 10th में 70-80% तो होने चाहिए तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। LLM में लेने के लिए कितने परसेंट की लगभग? LLM के लिए वही सेम है 65-75, क्योंकि LLB में क्या होता है थोड़ी परसेंटेज कम बनती है। मतलब इस कॉलेज की हॉस्टल वगैरह है रहने के लिए? यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, बॉयज हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं। अब जैसे अगर आपको रहना तो यहाँ सिर्फ 6,000 रुपए लगते हैं एक साल के, खाना की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज है। OBC ST SC सबके लिए, यहाँ वालों के लिए, जनरल वालों के लिए भी है, उनके लिए मतलब अलग जो है मतलब चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच, आपका भी और आपके जो दर्शक हैं उनको भी, और ये आपकी बहुत अच्छी पहल है आपने एक जो बनाया कि हर एक यूनिवर्सिटी में विजिट करके वहाँ की जानकारी कलेक्ट करना, और आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपके वीडियो देख के। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कोई एक हेल्पलाइन नंबर जरूर दें ताकि बच्चों के लिए हेल्प हो कि सर मैंने आपका वीडियो देखा है, तो उनको आप जो है प्रोत्साहित करें। एजुकेशन के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते इतना कि उनको गाइड तो करें बच्चों की कि ये कोर्स होता है, तो बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।